गार्डन की सफाई की थी तो सोचा कि वीडियो भी बना लूं। बिल्कुल घना जंगल हो गया था गार्डन में, तो बिल्कुल सारा साफ सफाई की, तो सोचा थोड़ी सी वीडियो बनती तो बनती है। तो ये देखिए, मेरे मनी प्लांट से मैंने शुरुआत की है, और ये मैंने कुछ कटिंग के जो पौधे थे ना, गेंदे मैंने पहले के थे और ये कुछ खराब हो गए थे, लेकिन जब बारिश आई तो बिल्कुल सारे पौधे मेरे सही हो गए थे। यहीं से मैंने कटिंग ली है और काफी सारी कटिंग बना भी ली है। तो यहीं से गार्डन की शुरुआत करेंगे हम। और ये है मेरा हल्दी का प्लांट जो मैंने कुछ दिन पहले लगाया था, और काफी अच्छे हो रखे हैं ये प्लांट मेरे, आप देख सकते हैं। और ये है मेरा सिंगोनियम का प्लांट, सफेद रंग का है और काफी सुंदर लगता है डेकोरेशन में भी, इंडोर प्लांट में भी। और इससे मैंने कई सारी कटिंग बना भी रखी है। और ये मैंने गेंदे की कटिंग भी कटिंग से ही लगाई थी, काफी बड़े हो गए हैं गेंदे, तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगी जिससे कि ये घना हो जाएगा। ये है मेरा नींबू का प्लांट, और नींबू का प्लांट मुझे मेरी पड़ोसन ने दिया था, तो काफी अच्छा हो रखा है ये भी। और कुछ प्लांट है ये जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे फ्री के, तो टोकरी मैंने बास्केट बना ली थी दो तीन। और ये कोलियस का प्लांट मैंने कटिंग से लगाया था। और ये है मेरी पोर्चुला का, अब थोड़ी थोड़ी खराब होने लगी है क्योंकि ठंड पड़ने लगी है। तो ये देखिए मेरे, ये मेरे पास होवर्थिया की हैं हरी वाली वैरायटी, और ये भी मेरे हस्बैंड ही लेके आए थे। तो और ये है अपराजिता, काफी सारे फूल इसमें, बहुत सारे फूल आए हैं और बहुत सारी अब इसमें ये देखिए बीज बन चुके हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट टाइम के लिए ऐड कर लूंगी, ताकि आगे गर्मियों में फिर मेरे पेड़ प्लांट बन जाए। थोड़े नहीं है, बहुत ज्यादा सीड्स बन चुके हैं इसमें। और नेक्स्ट है मेरा गुड़हल का प्लांट, और ये है मेरा, ये देखिए इसमें कली बनने लगी है, आप देख सकते हैं। और ये हाइब्रिड गुड़हल है मेरे पास, और ये पर्सलिन मैंने खुद से ही अपनी टोकरी लगा रखी है। और ये है मेरा लालसा का प्लांट, कटिंग से लगाया था अभी कुछ ही दिन पहले मैंने, और ये भी मैंने कटिंग लगाई थी। मेरे पास जो मोगरा की जो है ना प्लांट, वो बेल रूप में है, और ये जो कटिंग मुझे मेरी पड़ोसन ने दी है, तो ये प्लांट के रूप में है। और ये है मेरा एमरलियास का प्लांट है, जो मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था, और ये क्लेंचो की कुछ मैंने कटिंग लगाई थी। और दो तीन मेरे पास तुलसी के प्लांट है, और कुछ कटिंग मैंने गुलदावरी की लगाई थी, और ये छोटी सी कटिंग कोलियस की लगाई थी जो अब लग चुकी है। और स्पाइडर प्लांट भी लगाए हैं, और ये छोटी सी कटिंग मैंने गुड़हल की लगाई थी, आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो रखा है ये प्लांट। तो कटिंग भी मैं लगाती रहती हूँ जो हमारी चलती है। और ये छोटा सा बेबी प्लांट मैं लेके आई थी, तो मैंने इसको कप में ही लगा दिया था, मेरे पास छोटे वाली वैरायटी नहीं थी स्नेक प्लांट की। और ये दो रेन लिली के बल्ब मेरी सिस्टर ने मुझे दिए थे और लगाए थे, तो काफी अच्छे हो गए हैं, फूल फ्लावर्स भी आए हैं इसमें। और ये रोहियो का प्लांट है जो कि बोतल में लगा हुआ है और काफी घना हो चुका है। और ये है मेरा सुदर्शन का प्लांट, इसमें भी बेबी प्लांट निकल आया है। और ये मेरे पास है डेफिनबेकिया का, और जेट प्लांट है, और ये हरी वैरायटी है डेफिनबेकिया की जो मुझे पड़ोसी से मिली थी। और ये है एग्लोनीमा का प्लांट, और ये कुछ कटिंग मैंने सिंगोनियम की लगाई थी छोटे से पोट में, और ये कुछ क्लेंचो की कटिंग लगा रखी है, और हावर्थिया की लगा रखी है कुछ कटिंग मैंने। तो इस तरह से मैंने प्लांट को मल्टीप्लाई कर रखा है बहुत ज्यादा। और ये मेरी गुलदावरी की कटिंग है, और ये एक और छोटे से स्नेक प्लांट की वैरायटी थी, तो मैंने दो जगह लगा दी थी। और ये देख सकते हैं मेरी अपराजिता का प्लांट, ये मोगरा के प्लांट में और अपराजिता का प्लांट दोनों ही बिल्कुल घुल मिल गए हैं, और इनको अलग से करना पड़ेगा। और ये मेरे मल्टीप्लाई करे हुए स्पाइडर प्लांट है, ताकि काफी सारे स्पाइडर प्लांट मेरे बन चुके हैं। और ये रोहियो का दूसरा मेरा पोट है, और इधर मेरे हैं काफी सारे मनी प्लांट, और ये काफी घने हैं मनी प्लांट और बहुत सुंदर लगते हैं। मनी प्लांट को भी मैंने 5 से 6 जगह लगाया हुआ है। और ये है मेरी मोगरा की बेल टूपी, छोटे से पोट में है लेकिन काफी अच्छी हो रखी है, काफी लंबी हो रखी है मेरी। और ये कुछ मैंने कटिंग लगाई थी टेंगल हार्ट की, और ये मेरी गुलदावरी की है, और ये मैंने सोंग ऑफ इंडिया की हरी वैरायटी की कटिंग लगाई थी जो मेरी लग चुकी है,
ये गृहलक्ष्मी की कटिंग लगाई थी मैंने, और ये गुलाब की प्लांट लगाया मैंने मटके में, क्योंकि पोट नहीं है और मटके को मिट्टी वाले पोट में कहते हैं कि गुलाब का प्लांट अच्छा होता है, तो इस वजह से मैंने इसमें ही लगा दिया था। और ये मेरी पड़ोसी ने मुझे कटिंग दी थी जो कि मैंने लगा दी है, और इस तरह से मैंने काफ़ी सारे प्लांट को मल्टीप्लाई कर रखा है। मल्टीप्लाई करते रहना चाहिए प्लांट को, इससे क्या होगा जो हमारे प्लांट की हम कटिंग लेंगे वो प्लांट भी अच्छा हो जाएगा और नए नए प्लांट भी बन जाएंगे। और ये और मेरा हल्दी के प्लांट है जो कि मैंने 5-6 प्लांट लगा रखे हैं हल्दी से, और ये मेरा गृह लक्ष्मी का प्लांट है, और इधर ही मैंने इसी में कनेर की कटिंग लगाई थी जो मेरी अच्छे से चल गई है, और ये सुख शांति का प्लांट की कटिंग लगा रखी है मैंने, और ये 4 o'clock का प्लांट है। मैंने इसको बहुत उखाड़ उखाड़ के फेंका लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं से निकल ही आता है। और ये हल्दी के प्लांट है, अब की बार तो मैंने 5-6 ही लगाए लेकिन अगली बार मैं कोशिश करूंगी और ज़्यादा लगाने की, क्योंकि इसको बहुत आसान है। और ये मेरा सबसे बड़ा गुड़हल का प्लांट है और अमरूद का प्लांट है, तो ये दोनों एक साथ रखे हुए हैं। और साथ में मेरे पास ये एरिका पाम का भी लगा हुआ है जो काफ़ी बड़ा हो चुका है, और एरिका पाम को मैंने 2 जगह शिफ्ट कर लिया था, एक लेके आई थी लेकिन मैंने 2 जगह शिफ्ट कर लिया था, मेरे दोनों ही चल गए हैं। और ये कुछ मुझे इसका नाम याद नहीं है, मेरी पड़ोसन ने मुझे दिया था, और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया की वैरायटी है दूसरी, और ये अजवाइन, और ये है सदाबहार जो मैंने कटिंग से लगाया था, मेरे पास नहीं था, और ये भी कटिंग मैं मम्मी के पास से लेके आई थी बैक डेविल्स बैकबोन की। और ये गृह लक्ष्मी का प्लांट है जो मेरा सबसे मदर प्लांट है ना, इसी से मैंने कटिंग लगाई हुई है कई सारी। और ये 4 o'clock का प्लांट है, तो इस तरह से मैंने तो अपने गार्डन को बहुत ज़्यादा घना कर रखा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं इस प्लांट को भी अलग से लगा दूंगी, पोट दे दूंगी। और ये है मेरे बोटल प्लांट है जिसमें मैंने स्पाइडर प्लांट लगाए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। ये मेरा जेट प्लांट है और ये भी मेरा DIY का है, एक छोटा सा डब्बे में था तो मैंने इसी को DIY किया था। और ये मेरी टोकरी मदर प्लांट है स्पाइडर प्लांट की, इस तरह से मैंने तो अपने, ये मेरे पास है बोलिवियन जू की छोटी सी कटिंग लाई थी और इसकी भी टोकरी अच्छे से बढ़ चुकी है, बहुत सुंदर लगते हैं और मल्टीप्लाई करने से भी। और ये मेरे पास लेन की है, काफ़ी सारे फ्लावर्स आए हैं और मैं शाम के टाइम बना रही हूँ, बोटल प्लांटर है। इस तरह से आप भी छोटे छोटे पॉट्स में, बोटल्स में, थैली में, और छोटी छोटी जो मटके होती है उनमें हम काफ़ी सारे प्लांट लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें पोट ही लेके आने हैं बाहर से। हम अपनी गार्डनिंग का जो शौक है हम अपने घर में ही कर सकते हैं उसको पूरा। देख सकते हैं मेरे प्लांट काफ़ी सारे घने हो चुके हैं, एक प्लांट से मैंने कम से कम 4 से 5 प्लांट बनाए हैं। तो इस तरह से आप भी अपने गार्डन को बढ़ा सकते हैं, उसकी सुंदरता को निहार सकते हैं, और प्लांट हमारे लिए तो बहुत ही अच्छे होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। और ये मेरा मटका, इसको जो मैं पेंट करूँगी अब थोड़े से दिन में, जैसे ही मुझे टाइम लगेगा, ताकि ये बुरा ना लगे, क्योंकि मिट्टी का पोट जल्दी बुरा लग जाता है, तो इस वजह से इस पे मैं पेंट कर दूंगी जो अच्छा लगेगा। प्लांट कितने सुंदर लगते हैं, हमारे मन को भी सुंदर लगते हैं हरियाली। इस तरह से मैंने तो कई सारी कटिंग अपनी बोतल वगैरह में काट के लगा ली थी। आपको मेरे प्लांट कैसे लगे? काफ़ी सारे प्लांट मेरे पास फ्री में लगाए हुए हैं मैंने इधर उधर से लेके, आप भी अपने गार्डन को फ्री में लगा सकते हैं, जैसे मनी प्लांट हैं, और जो भी आपको कटिंग मिले मंदिर से पार्क से तो आप वो कटिंग लेके और लगा सकते हैं। काफ़ी सारे प्लांट को तो हम मल्टीप्लाई करके कटिंग से और बहुत सारे प्लांट बन सकते हैं जो कि हम फ्री में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और मेरा गार्डन तो आधे से ज़्यादा फ्री के प्लांट्स का ही है,
और गेंदे के प्लांट को भी मैंने काफी सारे मल्टीप्लाई कर लिया है, कम से कम 5 से 6 पौधे मैंने लगा लिए और भी मैं आप लगा लूंगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।